हे गाइस, वेलकम टू नेहा ब्यूटी रूम। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पर जो आपको रॉयल लुक देने वाला है वो है ऑरेंज कलर। एंड ये कलर सभी स्किन टोन पर सूट करता है। साथ ही आप ऑरेंज कलर के आप पेस्टल शेड भी आप चूज़ कर सकती हैं, और ये पेस्टल कलर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इन पेस्टल कलर एंड ऑरेंज कलर को शेडेड में भी आप चूज़ कर सकते हैं। एंड आप दुपट्टा इसके साथ पिंक दुपट्टा ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ येलो दुपट्टा ले सकते हैं। एंड अगर आप नेक्स्ट रेड कलर के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप बॉर्डर लगवा सकते हैं, रेड कलर की चोली पहन सकते हैं और रेड कलर का दुपट्टा ले सकते हैं। सेकेंड, आप ग्रीन कलर में बॉटल ग्रीन कलर एंड डार्क ग्रीन कलर आप चूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी अच्छे वर्क में लहंगे आते हैं इस कलर में, वो आप ले सकते हैं। वेलवेट में भी इस कलर में लहंगे आते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप ब्राइड या ब्राइड की सिस्टर हैं तो उसमें आप लाइट पिस्ता ग्रीन या लाइट मिंट ग्रीन इस टाइप के कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के गोटा पत्ती के आप ले सकते हैं। एंड उसमें आप गोल्डन या सिल्वर कलर के आप वर्क में आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। साथ ही आप बंधनी कलर के दुपट्टे के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप मैंने आपको पिक्चर में मेंशन किया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से आपको लहंगे आपको चूज़ करने हैं। थर्ड नंबर पर आता है हमारा बेबी पिंक कलर का लहंगा, जो कि वेडिंग डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसमें आप दो शेड में ले सकते हैं, ग्रीन एंड पिंक कलर के। एंड इस कलर के लहंगे आपके वेडिंग डे के बाद भी आप पहन सकते हैं। साथ ही आप इसमें टू शेडेड में आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं पिक्चर में बीच-बीच। सो गाइस, वेडिंग डे पे परफेक्ट दिखने के लिए आप 3 शेड में से आप कोई भी शेड आप चूज़ कर सकते हैं। एंड ये सारे शेड ऑल स्किन टाइप पे परफेक्टली जाते हैं। एंड आप नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।